दरअसल इस एपिसोड में मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना था विभू से, क्योंकि मैंने उसे गाना गाते हुए देखा था और मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा गाता है, और मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाए, लेकिन उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। और मैंने देखा कि साउथ इंडियन मास्टर जी हैं जो अंगूरी जी को म्यूज़िक सिखाते हैं, और तिवारी जी यहाँ उनकी शिकायत करने आए थे कि इनके म्यूज़िक सिखाने की वजह से मेरे घर में बहुत उथल पुथल हो गई है। तो मैंने उल्टा तिवारी जी को डांट लगा दी कि आप चुप बैठे और ये जो मास्टर जी हैं अब ये मुझे भी संगीत सिखाएंगे। और वो बेचारे तिवारी जी सोच रहे थे कि मैं मास्टर जी को डांट लगाऊंगी, उल्टा मैंने उनको डांट लगा दी। तो वो ऐसे जैसे हमेशा होता है, तिवारी जी सोच के कुछ आते हैं कि वो कुछ यहाँ बहुत छक्का मार के जाएंगे, लेकिन उल्टा उनकी उनको डांट पड़ जाती है मुझसे। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि वो बेचारे मुझसे डांट खा के, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आप इतने बड़े म्यूज़िक के शिक्षक को इस तरह से आप नहीं डांट सकते, आप इतना ख़राब व्यवहार कर रहे हो उनके साथ, तो ये ठीक नहीं है। मास्टर जी को मैंने बहुत प्यार से समझाया कि मास्टर जी आप थोड़ा टाइम निकालिए, मैं आपको 100 रुपये ज़्यादा दूंगी क्लास के, लेकिन वो नहीं माने। तो मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा कि देखिए अब मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ तो आप मान जाइए, क्योंकि फिर मुझे गुस्सा आएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। जैसे अनीता अपने स्टाइल में प्यार से धमकी दे देती है ना कि आपको सिखाना तो पड़ेगा ही। मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हों, दिन चाहे कितना ही कठिन हो, सबसे अच्छी दवाई होती है हंसी की दवाई। मुस्कुराते रहिए, भाभी जी देखते रहिए और हंसते रहिए।